मुझे तो जानते ही होगे तुम लोग गाइस फ्रैंकलिन, बट आज मैं बना हूँ इस GTA 5 की दुनिया के अंदर एक डिटेक्टिव। फ्रैंकलिन द डिटेक्टिव नाम है मेरा आज इस दुनिया के अंदर, और लॉस सैंटोस के अंदर मैंने आज अपनी एक नई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोली है भाई। और अभी तक पहला केस नहीं आया है मेरी एजेंसी का, देखते हैं फर्स्ट केस कब आता है, बट मैं बहुत ही तगड़े वाला डिटेक्टिव बन चुका हूँ। तुम लोग बताओ भाई, सुबह यार मेरा फ्रूट गायब हो गया था मेरे फ्रिज से, तो मैंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार वो फ्रूट गया तो गया कहाँ, और फिर मुझे एंड में पता चला कि वो फ्रूट तो चूहा ले गया। तो इस तरीके से मैंने शुरुआत की अपने घर का ही केस सॉल्व करके, और मेरा इंटरेस्ट आ गया डिटेक्टिव में, और मैं बन चुका हूँ आज फ्रैंकलिन द डिटेक्टिव। बाकी कोई नया केस नहीं आया यार, मैं एक हफ्ते से डिटेक्टिव बना हुआ हूँ और अपने फर्स्ट केस के इंतज़ार में बैठा हूँ कि कोई तो आएगा और मुझे मेरा पहला केस देगा, लेकिन केस नहीं मिल रहे हैं भाई। डिटेक्टिव बनना बेकार है, मैं बस आज और ट्राई कर रहा हूँ, अगर आज भी कोई केस नहीं आया ना भाई, मैं क्विट कर दूंगा। मैं डिटेक्टिव की बजाय कोई दूसरी जॉब ढूंढूंगा। हाँ भाई कोई बात होती है, एक हफ्ते से वेट कर रहा हूँ, एक हफ्ते से कि कोई तो आएगा मुझे हायर करेगा एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, और मैं कोई खतरनाक से खतरनाक केस सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट ऐसा हुआ कुछ नहीं, देखते हैं केस कब आते हैं। ओके, फोन की घंटी बजी, लगता है हमारा पहला केस। अननोन नंबर, हो सकता है, जरा पिक करते हैं गाइस। ओके जरा बात करते हैं, क्या बोल रहा है ये बंदा अननोन नंबर वाला। ओके, तो एक बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज, नहीं गुड न्यूज नहीं, बहुत ही बड़ी ग्रेट न्यूज है गाइस कि फाइनली मुझे मेरा पहला केस मिल चुका है। सीन क्या है, ये मुझे कॉल जो अभी आया था एक पुलिस वाले का, और उन्होंने मुझे माइकल के पास एक घर है गाइस उधर की तरफ ही बुलाया है, वहां पर एक मर्डर हो गया है और मुझे उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है एज अ डिटेक्टिव। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की क्लूज वगैरह ढूंढने की, सब कुछ पता करने की, बट उन्हें कुछ भी मिला नहीं गाइस। इसलिए उन लोगों ने प्राइवेट डिटेक्टिव द फ्रैंकलिन को कॉल किया, और अब मैं जा रहा हूं अपनी लाइफ का सबसे पहला, नहीं मेरी लाइफ का पहला नहीं दूसरा, पहला तो वो चूहे वाला केस, भले ही छोटे लेवल का केस हो लेकिन केस तो केस होता है भाई। तो मैं चला अपनी लाइफ का दूसरा केस हैंडल करने के लिए और उसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बनते हैं फ्रैंकलिन द डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव के पास होता है एक बढ़िया वाला कोट जो कि मेरे पास है, और अभी चलते हैं, एक सेकंड, कोट के साथ साथ पैंट भी होती है भाई डिटेक्टिव के पास, चड्डी में नहीं जाता। फ्रैंकलिन द डिटेक्टिव इज हियर। यस गाइस, बन चुका हूँ मैं एकदम बहुत ही तगड़े लेवल का डिटेक्टिव, कपड़े वपड़े सूट बूट और ये कैप लगा के जा रहा हूँ मैं अपने पहले मिशन पे। कुछ चीज मिसिंग लग रही है यार, हाथों में ग्लव्स भी होने चाहिए यार। डिटेक्टिव एज अ डिटेक्टिव मेरा फर्ज बनता है कि मैं भाई खुद ना फंस जाऊँ केस को सॉल्व करते हुए, इसलिए हाथ में ग्लव्स होने चाहिए। ओके रेडी विद द ग्लव्स, अभी चलते हैं डिटेक्टिव स्पेशल कार में जो कि मेरे गैराज में खड़ी है। चलो भाई अपनी लाइफ का सेकंड केस सॉल्व करने के लिए मैं एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हूँ। अपने गैराज के गेट को ओपन करते हैं और ये है मेरी डिटेक्टिव स्पेशल कार। यस भाई लिटरली में डिटेक्टिव स्पेशल कार है, ऐसे ही मूवीज वगैरह में लेके घूमते हैं भाई डिटेक्टिव्स। तो मैंने सोचा मैं भी अपने लिए कुछ ऐसी गाड़ी रखूंगा, और देखो लग रही है ना भाई एकदम मस्त। और इसकी छत पता नहीं है कि नहीं, छत नहीं है, बस ऐसी है, ठीक है, बारिश में डिटेक्टिव भीग जाएगा और क्या। बट चलो चलते हैं केस सॉल्व करने के लिए। मर्डर मिस्ट्री का हमें पहला केस मिला है, पहला नहीं दूसरा केस, यार मैं पहला केस बार बार भूल क्यों जाता हूँ। पहला केस है गाइस जब फ्रिज में से मेरे फ्रूट चोरी हुआ था, छोड़ो यार उसे पहला केस कंसिडर नहीं करते हैं, भले ही मेरी शुरुआत वहां से हुई हो, लेकिन नहीं उसे हम लोग फर्स्ट केस नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे आज वाले केस को। तो चलते हैं अपने पहले केस को सॉल्व करने के लिए। माइकल के घर की तरफ हुआ है एक मर्डर, जहां पर काफी पुलिस वाले गए हैं उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि आखिरकार वो मर्डर किया तो किया किसने। अब हम लोग पता लगाएंगे, जड़ तक जाएंगे और ढूंढ के निकालेंगे कि आखिरकार किलर या फिर मर्डरर था कौन। फिलहाल वो घर कौन सा है जहाँ पे मर्डर हुआ है, पहले तो यही ढूंढना पड़ेगा हमें। ओके यहाँ से राइट, ओके यहाँ से थोड़ा सा आगे, और यहीं पर वो घर है गाइस। ये देखो माइकल का घर इधर है, इस घर में मर्डर हुआ है वो आगे की तरफ है, चलते हैं फटाफट। ओके कौन सा घर हो सकता है वो, आई हैव नो आइडिया। इस वाली गली में चलते हैं, काम करते हैं। हाँ माइकल के सामने तो यही सब इलाका है, यहाँ पर पुलिस वाले, ओ वेट वो तो रहे पुलिस वाले, ये तो रही पुलिस वालों की गाड़ी। ओके गाइस आई गेस हमें यहीं पर आना था, अपनी गाड़ी को यहीं पर साइड में लगाते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट केस को सॉल्व करने के लिए।
हेलो 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 ऑफिसर्स, माय नेम इज़ डिटेक्टिव फ्रैंकलिन। आप लोगों ने कॉल किया था। ओके थैंक यू। तो यहाँ पर हुआ है गाइस मर्डर। कहाँ पर हुआ है मर्डर? अरे कहाँ पर हो भाई? ओके वो रहे पुलिस वाले। ओके वो रही लाश, वो रही डेड बॉडी। ओके ओके हटो 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 साइड हटो साइड हटो। यहाँ पर डिटेक्टिव फ्रैंकलिन आ चुका है। ओके तो ये है जिसकी मौत हुई है। चलो भाई काफी बड़ा घर है इसके पास तो। अरे वाह यार घर तो बड़ा मस्त है। लिटरली मैं घर देखो यार, काफी अमीर अमीर लोग रहते हैं ये माइकल के आसपास। माइकल भी तो अमीर ही। अरे यार मैं केस से भटक रहा हूँ, एक सेकंड इसका घर देख के मैं थोड़ा भटक गया। हाँ तो हमें केस सॉल्व करना है। हेलो एक्सक्यूज मी ऑफिसर, कॉल किसने किया था और जरा मुझे बताओगे यहाँ पर हुआ क्या है? ओके तो इस वाले ऑफिसर ने गाइस कॉल किया था मुझे और मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ है। तो ये जो बंदा है ये अकेला ही रहता है इस घर में और इसके पास काफी बड़ा सा ये घर है और लिटरली में ये बस अकेला ही रहता है इस घर के अंदर। अकेले टेबल टेनिस कौन खेलता है भाई? पता नहीं व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन अकेला रहता है ये इतने बड़े आलिशान घर में और ये कोई बड़ा बिजनेसमैन वगैरह टाइप का बंदा है और इसके पास यही एक बड़ा सा घर है जो कि इसने सेल के लिए लगा रखा है। ये भी इसमें रहना नहीं चाहता, बेचना चाहता है। ये रहा फोर सेल का बोर्ड, अगर तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, ये देखो फोर सेल का बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये इसने ऑलरेडी सेल पे लगा रखा है, आई गेस यहाँ से ये शिफ्ट करना चाहता होगा। तो ऐसा कुछ तो सीन है, बट मर्डर क्यों हुआ? हेलो ऑफिसर्स, आपको ये नहीं पता चला अभी तक मर्डर हुआ किस वजह से है? कुछ चीज गायब वायब दिखी आपको इसके घर में? नहीं यार ऑफिसर्स तो कह रहे हैं सारी चीज़ वैसी की वैसी है, कोई भी चीज़ ऐसी बिखरी बिखरी नहीं है, कहीं भी अफरा तफरी नहीं मची, कहीं भी खून वगैरह के धब्बे नहीं है। ये लोग तो कह रहे हैं हो सकता है ये मर्डर नहीं एक सुसाइड भी हो। इनका कहना ये है गाइस कि सुसाइड हो सकता है, क्या पता है इसने इस बिल्डिंग से डायरेक्ट छलांग लगा दी हो भाई। अब ऐसे होने को तो हो भी सकता है, क्या पता। एक सेकेंड, बिल्डिंग से अगर कोई बंदा छलांग लगाएगा और वो भी इतनी सी हाइट के बिल्डिंग से, थोड़ी ना टपक जाएगा? नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ मैटर है इसके अंदर, ये पक्का मर्डर का ही मैटर है। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसकी छत पे चढ़ते हैं और देखते हैं हाइट कितनी अच्छी खासी है। वेट, यहाँ से छत पे आराम से जा सकता हूँ मैं। लेट्स गो। डिटेक्टिव फ्रैंकलिन का फर्स्ट केस मैं एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ, कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। ओके तो एज पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहाँ से उसने जंप लगाया होगा और शायद उसकी वजह से वो मर गया, बट आई डोंट थिंक सो। जंप लगा के कोई इतनी दूर तक पहुँच सकता है? लेट मी ट्राई। और एक सेकेंड, नहीं भाई, जंप लगा के मुश्किल से मुश्किल बंदा यहीं गिरेगा और गिर के भी चोट नहीं लगी भाई, मेरे को तो बिल्कुल चोट नहीं लगी। नहीं 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 नहीं, इसने खुद तो नहीं जंप किया है भाई, ना ये खुद कूदा है, ये पक्का मर्डर ही है। लेकिन किस चीज़ के लिए मर्डर हुआ होगा, किस चीज़ के लिए, यही तो पता करना पड़ेगा भाई खुद हमें। ये लोग कह रहे हैं घर अच्छी तरीके से इन लोगों ने चेक कर लिया, घर में कुछ भी गायब नहीं हुआ है, पैसे वैसे गोल्ड वोल्ड ज्वेलरी वगैरह। लेकिन ज्वेलरी इसके घर में क्या कर रही थी? ये भी पहनता है क्या ज्वेलरी? जो भी हो सब कुछ सही सलामत है घर के अंदर, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मतलब प्रॉब्लम जो है गाइस बाहर ही है, बाहर ही कुछ ना कुछ तो चोरी हुआ है जिसपे इन पुलिस वालों का ध्यान नहीं जा रहा, बट मेरा ध्यान जाएगा। भाई ये कौन है? अब तू कौन है भटक रहे हैं यहाँ पे, बता। अबे तू है कौन बे? बेटा रैपट ही रैपट बजा दूंगा फटाफट से, बता यहाँ पे, डिटेक्टिव हूँ मैं भी। अबे तेरी बता फटाफट से, यहाँ पर चल क्या रहा है और तू है कौन? ओके तो गाइस यहाँ पर भाई ये जो बंदा है ये इस घर का गार्डनर है और ये कह रहा है कि बॉस के पास इसके कोई मीटिंग वगैरह नहीं थी, कोई बिजनेस वगैरह नहीं था, बस इसके पास ये घर था और इसका जो ये बॉस था ये भी ये घर बेच के जल्दी से जल्दी जाना चाहता था। मुझे तो शक इस टकले पे ही हो रहा है भाई, हो सकता है मे बी इसने अपने बॉस को मार दिया, लेकिन इसके बॉस को मार के मिलेगा क्या इसे? नहीं 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 नहीं, और अगर मार भी दिया होता तो पैसे वैसे लूट के भाग चुका होता ये, तो इधर बिंदास घूम रहा है। नहीं नहीं भाई, तेरे बॉस के पास क्या क्या था जरा एक्सप्लेन करेगा? तो ये बंदा कह रहा है इसके बॉस के पास एक लंबी चौड़ी गाड़ी हुआ करती थी, रेड कलर की। रेड कलर की गाड़ी तो नहीं देखी मैंने, गैराज तो यहीं पर है। सीरियसली मैं भाई, ओए वेट एक सेकेंड, रेड कलर की गाड़ी तो यहाँ पर नहीं है, बट टायर्स के निशान जरूर है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, गाड़ी के चोरी के लिए ये मर्डर हुआ है? हाँ, यहाँ से गाड़ी की चोरी हुई है। ऑफिसर्स जरा मेरे को एक बात बताओ, आप लोग जब यहाँ पर आए थे तो कोई गाड़ी वाड़ी थी क्या यहाँ पर? यहाँ पर कोई गाड़ी? गाड़ी ये लोग मना कर रहे हैं कि कोई गाड़ी नहीं थी। इसका मतलब मैं श्योर हूँ गाइस ये जो मर्डर हुआ है ये गाड़ी के लिए हुआ है, कोई सी तो इसके पास गाड़ी होगी कोई महंगी सी, और कोई चोर वोर आए भाई
और गाड़ी चुरा के ले गए। इस बंदे ने रेजिस्ट किया होगा तो इस बंदे को उड़ा दिया और इस तरीके से ये मर्डर हो गया। लेकिन अब ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि वो कौन बंदे थे और वो गाड़ी लेके गए तो गए कहाँ और उन्हें भी पकड़ना है। ओके चलो ये भी करता हूँ मैं। मेरा फर्स्ट केस है भाई, फुल्ली एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करूंगा। तो गाड़ी यहाँ से गायब हुई है। ओके यहाँ पर और क्या क्या सामान है? यहाँ पर थोड़ा जिम वगैरह रिलेटेड सामान भी है। क्या क्या है यहाँ पर? एक कैब भी है। कैब किसकी हो सकती है? मे बी जिस चोर ने ये गाड़ी चुराई। वेट, जो इस घर का मालिक था वो कैब वैब पहनने का शौकीन है क्या? रुको ज़रा चेक करके आता हूँ। कैब पहनी तो है गाइस इसने, बट ये वाली कैब नहीं है भाई। वो इसने देखो वो ठंड वाली टोपी है ये। यस ठंड वाली टोपी है भाई, और वहां पर जो पड़ी हुई है वो एक कैप है। इसका मतलब वो कैप इसकी नहीं है, वो पक्का उस चोर की है जिसने ये गाड़ी चुराई है। ओके काम करता हूँ, इस कैप को उठा लेता हूँ। इस कैप के ऊपर कुछ डिजाइन भी बना हुआ है। रुको भाई अभी पता चल जाएगा क्या है। इस कैप के ऊपर कुछ ब्लू कलर का एक स्टीकर सा बना हुआ है, कुछ अजीब सा डिजाइन बना हुआ है। एक सेकेंड, ये कैप मैंने कहीं देखी है। अब ये तो कोई गैंग वाले पहनते हैं ऐसी कैप। गैंग वाले पहनते हैं भाई ऐसी हूबहू कैप, पता करने पड़ेगा। एक काम करते हो, एक कैप रख लेता हूँ मैं अपनी जेब में। चलो भाई यहाँ से एक काम करते हैं, ग्रीन गैंग में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कैप कौन सी गैंग की है, और उनसे पता करने के बाद हम लोग उस गैंग के अड्डे पर जाएंगे। हेलो ऑफिसर, मुझे एक कैप मिली है वाइट कलर की जिसपे कुछ निशान बना हुआ है, और मैं उस कैप के बारे में पता करने के लिए जा रहा हूँ। ओके ऑफिसर्स, ओके मैं चलता हूँ, आप लोग यहीं पर रहना। ओके केस तो मैं सॉल्व करके रहूंगा भाई, देख रहे हो तुम लोग किस तरीके से एक एक चीज जोड़ के कड़ी से कड़ी मिला के मैंने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि ये मर्डर हुआ है गाड़ी की चोरी के लिए। वैसे क्या मस्त घर था यार इस बंदे के पास, मैं तो इसका घर देख के ही बार बार खो जा रहा हूँ यार। इतना बेहतरीन घर कैसे हो सकता है? मेरे पास तो नहीं है इतना बेहतरीन घर। इसके पास देखो, खैर चलो एक काम करते हैं, ग्रीन गैंग के पास चलते हैं। सिंपल, मेरे कुछ दोस्त हैं। आप तुम लोग सोचो कि मेरे कहाँ से दोस्त हो गए, एक्चुअली मैं हैं भाई कुछ ग्रीन गैंग के अपने अंदर के दोस्त, उनको दिखाऊंगा मैं ये कैप, डेफिनेटली वो लोग बता देंगे, आराम से बता देंगे भाई वो लोग कि ये किस गैंग की कैप है। ये हो ना हो किसी गैंग की कैप है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं तो ये कैप देखी जरूर है। फिर सीसीटीवी लगा है इस घर के आगे, कहीं उस घर में भी कोई सीसीटीवी तो नहीं था जो मैंने मिस कर दिया? यस, अगर सीसीटीवी मिल गया फिर तो केस बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा यार। एक सेकंड, वापस से चलते हैं उस घर की तरफ। ये रहा घर, जरा चेक करते हैं सीसीटीवी वगैरह है क्या इस घर में। सीसीटीवी तो नहीं नजर आ रहा भाई, घर के ऊपर भी कोई सीसीटीवी लगा तो नहीं है। ओ यस, यहाँ पर अब लाइट है ये। ओ नो, पानी में गिर गया मैं, मुझे लगा ये ब्लैक कलर की ये दीवार पे भाई सीसीटीवी है, लाइट है ये। नहीं, सीसीटीवी नहीं लगा रखा है इसने। ओहो, क्यों नहीं लगाते हैं इतने बड़े बड़े घर बना के ये बंदे। कुछ पुराना सा भी सीसीटीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। सीसीटीवी वगैरह के थ्रू तो क्लू अपने को मिलेगा नहीं। इस गार्डनर ने भी कैप पहन रखी है क्या? नहीं, ये वैसी कैप नहीं है, वो व्हाइट कलर की कुछ अलग ही कैप है भाई। चलो निकलते हैं यहाँ से। सीसीटीवी मैंने सोचा क्या पता सीसीटीवी वगैरह लगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगा है यहाँ पे। अगर होता तो केस और भी आसानी से सॉल्व हो सकता था, बट कोई बात नहीं, फिर भी केस तो सॉल्व करके रहूंगा मैं एज अ डिटेक्टिव। मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये केस सॉल्व करूँ, तो चलते हैं यहाँ पर डिटेक्टिव वाली अपनी स्पेशल गाड़ी लेके। क्या मस्त लग रही है यार मेरी डिटेक्टिव स्पेशल कार। ओके, ग्रीन गैंग के बंदों के पास चलते हैं, अब वही कुछ बताएंगे इस कैब के बारे में। लेट्स गो। ओके, ग्रीन गैंग के अड्डे की तरफ पहुँचने वाला हूँ मैं। ग्रीन गैंग का जो मेनली अड्डा है यहाँ से शुरू हो जाता है। ये तो रहे ग्रीन गैंग के बंदे, इनको वो कैब दिखाकर फटाफट से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कैब है किससे रिलेटेड। ओके गाइस, इन बंदों को मैंने कैब दिखाई और ये बंदे कह रहे हैं कि ये कैब है वाइट गैंग के मेंबर्स की। ओके, तो लॉस एंजेलोस के अंदर बहुत सारी गैंग्स है, ये चीज़ तो तुम लोगों को पता ही होगी गाइस। लॉस एंजेलोस के अंदर ग्रीन गैंग, येलो गैंग और वाइट गैंग भी है, ये मेरे को आज पता चला। बट हाँ, लॉस एंजेलोस के अंदर काफ़ी सारी गैंग्स है, ये तुम लोगों को पता ही होगा, और उन्हीं में से एक गैंग है वाइट गैंग। तो इन बंदों ने कहा कि ये जो कैप मेरे पास है ये वाइट गैंग के मेंबर्स की है, तो इसका मतलब जो चोर था जिसने वहाँ से गाड़ी चुराई वो वाइट गैंग के मेंबर्स थे।
ओके गॉट इट वाइट गैंग के मेंबर्स ने गाड़ी चुराने की हिम्मत कर दी, और चुराने की हिम्मत तो छोड़ो भाई, मर्डर भी कर दिया गाड़ी के लिए, कोई बात होती है ये? चलो चलो फटाफट से निकलते हैं वाइट गैंग के बेस की तरफ, लेट्स गो गाइस। वाइट गैंग वालों तुम लोगों तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये बेलास गैंग का बेस क्यों लग रहा है? अरे यार गलती से बेलास गैंग के बेस पे आ गया, सॉरी इनकी गैंग थोड़ी बड़ी है। तो पुलिस वाले बेलास गैंग के बेस पे, अब इन लोगों ने भी पंगे कर दिए कि ओ तेरी, अरे पुलिस वाले, अरे भाई, अरे बेलास वालों ने गोलियां बरसा दी। लेकिन दो पुलिस वाले हैं, कितने से फाइट करेंगे भाई? एक सेकंड, यहाँ पर तो तगड़े वाले लफड़े हो गए भाई, पुलिस वाले तो खतरनाक निकले, सारे बेलास गैंग वालों को उड़ा दिया ताबड़तोड़। यहाँ पर गोलियां चल रही हैं। अरे डॉगी, और डॉगी ने अटैक कर दिया पुलिस वाले के ऊपर। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो खतरनाक ही सीन चालू है, बेलास गैंग वर्सेस पुलिस की फाइट चल रही है, और डॉगी ने दोनों को निपटा दिया। ओ शिट भाई साहब, यहाँ पर ओ तेरी, डॉगी ने निपटा दिया भाई दोनों के दोनों पुलिस वालों को, लिटरली में निपटा दिया। ओ भाई साहब, ये बेलास गैंग वाले कितने खतरनाक है यार, कैसे कैसे डॉगी पालते हैं। अरे निकल लो यार यहाँ से, वाइट गैंग के बेस पे चलते हैं गाइस जल्द से जल्द, और उनके मेंबर्स को पीट पाट के पूछताछ करते हैं कि भाई किसने चुराई है वो गाड़ी और क्यों चुराई है। चलो भाई, तो वाइट गैंग के बेस पर पहुंचने वाले हैं। ये तो येलो गैंग का बेस है ना भाई, व्हाइट गैंग का भी यही है? पता नहीं भाई, व्हाइट गैंग वालों का बेस तो मुझे यही बताया ग्रीन गैंग वालों ने। हेलो भाई, तुम लोग व्हाइट गैंग के बंदे हो? हेलो भाई, ये तो कोट पैंट टाई वाई पहन के एकदम नॉर्मल सिंपल से बंदे बन के खड़े हैं भाई, व्हाइट गैंग के बंदे ही है ना ये? शक हो रहा है मुझे, क्या करूँ पता लगाने के लिए, क्या करूँ क्या इनकी ऐसी की तैसी, बताओ भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग कोट टाई पहन के खड़े हो जाओगे तो मुझे लगेगा तुम लोग सीधे साधे बंदे हो हैं, बताओ फटाफट बताओ बे, किसने गाड़ी चुराई है, गाड़ी किसने चुराई है, फटाफट से बताओ, तेरी ऐसी की तैसी गन निकालनी पड़ेगी, फटाफट बोल। ओके, तो सारे बंदे को बेहोश करने के बाद यहाँ से मुझे पता चल चुका है गाइस, इन्हीं की गैंग ने गाड़ी चुराई है भाई, और इनकी गैंग को ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ जो कि भाई यहाँ पर वाइट गैंग के बंदों के पास आने वाला हूँ पूछताछ करने के लिए। अब ये चीज किसने लीक करी और किसने इन्हें बताया ये तो पता नहीं, लेकिन इनका जो बंदा था जिसने गाड़ी चुराई थी गाइस, उस बंदे की, वो गाड़ी लेके भाग गया है यहाँ से। कहाँ भाग के गया होगा वो? वाइट गैंग के बंदे भी अलग ही है भाई, ये गैंग्स जितनी भी है ना भाई लॉस सैंटोस में, सब ने हमेशा नाक में दमी किया है। फिलहाल अब ये वाइट गैंग के इस बंदे का पता लगाते हैं कहाँ भाग के गया। ओके लेट्स गो, लेकिन ये कैसे पता लगाऊंगा मैं कहाँ भाग के गया वो? अरे यार इतने बड़े लॉस सैंटोस में वो कहाँ भाग के गया, उसकी गाड़ी लेके कहाँ गया, कैसे पता चलेगा? इस बंदे के पास जो कैप है, ओए रुको, तेरी ऐसी की तैसी, रुक। इस बंदे के पास जो कैप है गाइस, उसके भी ऊपर नहीं, वो वाला स्टिकर नहीं है, मुझे लगा वही वाला स्टिकर है, छोड़ो भाई। तो मैं कह रहा था कि तो केस उलझ सा गया यार फिर से, एक सेकंड वापस से रिकॉल करते हैं अभी अभी तक हमें क्या क्या क्लूज मिले हैं। तो सबसे पहले पुलिस वालों ने मुझे कॉल किया, मैं वहां पर गया, पुलिस वालों ने कहा कि भाई यहाँ पर मर्डर हुआ है एक बंदे का, जो बंदा हमेशा अकेले रहता था अपने इस घर में। फिर मुझे उसके गार्डनर के थ्रू ये पता चला कि उस बंदे के पास एक गाड़ी भी थी। फिर मैंने नोटिस किया कि उसकी गाड़ी गायब है और मर्डर हुआ है, इसका मतलब गाड़ी के लिए ही मर्डर हुआ है। अब गाड़ी वाले गैराज में एक टोपी पड़ी हुई थी, एक कैप पड़ी हुई थी, जिस कैप के बारे में पता चला कि वो वाइट गैंग के बंदों की कैप है। और फिर वाइट गैंग के पास पहुंचा तो ये लोग भाई सीधे साधे बन के खड़े थे, इसका मतलब इन लोगों को बता दिया कि डिटेक्टिव आ रहा है तुम लोगों के पास। तो ये खबर मुझे क्या लग रहा है भाई, जरूर पुलिस वालों में से ही किसी ने लीक की है, कहीं पुलिस वालों में से ही तो कोई नहीं बंदा बन के बैठा, मे बी आई हैव नो आइडिया भाई। एक सेकेंड, ओके, रुको गाइस, पता करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं हेडक्वार्टर्स जाता हूँ फटाफट, पुलिस के हेडक्वार्टर, और वहाँ जाके ये पता करता हूँ कि कोई नया पुलिस वाला आज बन के आया है क्या उनके यहाँ। और फिर एक काम करता हूँ, जहाँ पर भाई केस सॉल्व हो रहा है वहाँ के पुलिस वालों के बारे में पता करता हूँ, उनमें से ज़रूर मुझे लग रहा है कोई ना कोई नकली पुलिस वाला है। यस भाई, उनमें से कोई ना कोई एक नकली पुलिस वाला है जो कि वाइट गैंग का ही मेंबर है और बचने के लिए पुलिस वाला बन गया है। समझ गया मैं, चलो
फटाफट से पुलिस के हेडक्वार्टर चलते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं उन बंदों के पास जाता हूँ जहाँ पे ये केस हुआ है, जहाँ पर ये मर्डर हुआ है, वहाँ पर चलते हैं और पता करते हैं कि उनमें से नकली पुलिस वाला कौन सा है। ठीक है भाई, चलो चलो गाइस, चलो चलो चलो, लेट्स गो। कहाँ पर वो घर था माइकल का? माइकल के घर के आजू बाजू ही है वो, जहाँ पर केस हुआ है भाई ये। माइकल का आप घर कहाँ है? ओ मेरी डिटेक्टिव कार, थोड़ा फास्ट चल। ओके, घर घर घर, वेट 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 वेट, एक सेकंड एक सेकंड। अबे यार, वेट 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 वेट, कहाँ गया वो घर? घर कहाँ गया यार? इस घर ने अलग ही कंफ्यूज कर रखा है। ओके, इस वाली गली में, इस वाली गली में। चलो फाइनली 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 पता लग गया। यहाँ से यही चढ़ा देता हूँ ऊपर। ओके, आराम से बस। और यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी कहाँ खड़ी थी? पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी वो रही। चलो भाई, यहीं पर इनमें से ही एक नकली है पुलिस वाला। फटाफट से पता करते हैं। ये दो पुलिस वाले बाहर ही खड़े हैं, बाकी पुलिस वाले अंदर हैं। ज़रा देखते हैं इनमें से नकली वाला कौन सा है यार। ओके, पता कैसे चलेगा? ये भी तो प्रॉब्लम है। सर, आप में से कोई नया पुलिस वाला कोई बना है क्या, जिसने आज ही ज्वाइन किया है आप लोगों को? ऐसा कोई है? ये कह रहा है जो गार्ड मतलब गेट पे दो पुलिस वाले हैं उनमें से एक है जिसने आज ही ज्वाइन किया है। वेट वेट वेट, कहीं ये टकला? भाई तुम दोनों में से ज्वाइन किसने किया है? आज ही, वो भी तूने है वे टकले। सर, पकड़ा गया आरोपी, पकड़ा गया, पकड़ा गया किसने मर्डर किया है। हेलो सर, यही ये जो पुलिस वाला आप लोगों के सामने है, जो आप लोगों के बीच में केस सॉल्व करने का नाटक कर रहा है, ये एक्चुअली में एक नकली पुलिस वाला है। क्या, नकली नहीं हो सकता? असली में बना ये पुलिस वाला? तो जो भी असली हो या फिर नकली हो, ये जो पुलिस वाला है ये मिला हुआ है वाइट गैंग के बंदों से, और आई गेस इसे ही सब कुछ पता होगा कि उस गाड़ी को किसने चुराया और क्या क्या हुआ। सर, आप जरा इससे पता करने की कोशिश करो प्लीज, प्लीज सर, फटाफट। ओके, तो गाइस ये जो पुलिस वाला है ये कह रहा है कि भाई इसने बस वाइट गैंग वालों को ये बताया था कि मैं उनसे पूछताछ करने के लिए आ रहा हूँ, बस। इसके अलावा इसका कोई रिश्ता नहीं है वाइट गैंग वालों से, ये कह रहा है भाई। मुझे तो लगा भाई इसी ने ये मर्डर किया है, लेकिन ये तो कह रहा है इसने सिर्फ वाइट गैंग वालों को ये कॉल करके बताया कि भाई डिटेक्टिव तुमसे पूछताछ करने के लिए आ रहा है, तैयार हो जाओ, बस। इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं बताया। अबे यार, तो फिर ये वाइट गैंग का वो बंदा गया कहाँ गाड़ी लेके? भाई उस बंदे ने गाड़ी चुराई तो चुराई, मर्डर भी कर दिया, कैसे पता चलेगा फिर आखिरकार ये वाइट गैंग का वो मेंबर गया कहाँ? मैंने उन मेंबर्स को कूट काट के पीट पाट के पूछने की भी कोशिश की, फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। उन बंदों को लगता है और बुरी तरीके से तोड़ना पड़ेगा, तब वो लोग सारी की सारी सच्चाई बताएंगे। लेट्स गो। ओके। अबे बाकी सारे भाग गए, एक यही बचा हुआ है। कोई बात नहीं, एक तो बचा है, इससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। उठ बे, होश में चल, मेरे को पता है बेहोश है तू। पानी फेंकता हूँ, अभी होश में आ जाएगा ये। होश में तो आ चुका है ये। अब बेटा फंस गया तू, तेरे सारे दोस्त तुझे छोड़ के भाग गए यहीं पर, लेकिन तू फंस गया बुरी तरीके से, वाइट गैंग के मेंबर। अब फटाफट से मेरे को सब कुछ बता कि भाई कहाँ गया वो बंदा, वरना तेरी खोपड़ी उड़ना तो तय है। फटाफट से तू बता दे, फटाफट से, वरना तू गया भाई आज सच में। बता फटाफट, बता तू है कौन? ओए वेट, अबे ओए टोपी देखो, वाइट गैंग वालों की टोपी देखो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये देखो गाइस, क्या पहन रखी थी इस बंदे ने। ओके 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 ओके, आ गए ये वाइट गैंग वाले ही आ गए हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। रुको बे, तू बेटा भाग मत जियो। ये देखो इसने भी कैप पहन रखी है, लेकिन इसकी कैप पता नहीं येलो है कि वाइट है, लेकिन जो भी हो छोड़ूंगा नहीं मैं। ओ नो, कितने सारे आ रहे हैं इसे भगाने की, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैडम, आपको शर्म नहीं आती है? हैं, यहाँ गोलियां चला रही है। ये ले, ओके ओके, ये ले। दम वम है नहीं यार इन गैंग वालों के अंदर, लड़ने के लिए आ जाते हैं सबसे पहले। ये भी ले, तू भी ले बेटा, और तू भी निकल, चल बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा और कोई है? तू मत सोच बेटा, तू फंसेगा ही आज। अबे कौन है अभी, अभी कौन बचा हुआ है? ये बचा हुआ है, ये कहाँ जा रहा है? भाग के कहाँ जा रहा है? ये ले निकल, चल निपटा दिया इसे भी। अब तू बता फटाफट से कि कहाँ भाग के गया है वो वाइट गैंग का मेंबर, जल्दी बोल जल्दी। ओके एवरीवन, फाइनली पता चल चुका है वाइट गैंग का जो मेंबर है वो भाग गया है काफी सारे गैंग मेंबर्स को लेके लॉस सैंटोस की
वुड फैक्ट्री में। यस, लॉस एंजेलोस में माउंट चिलियार्ड की तरफ वुड फैक्ट्री है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक गाड़ी के पीछे इतना बवाल क्यों है। सबसे पहले तो इसको उड़ाओ भाई, ताकि अपने मेंबर्स को बता ना सके कुछ भी। ओके, निपटा दिया इसे। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीन क्या हुआ है। देखो गाइस, वो जो बंदा था जिसका मर्डर हुआ है, तुम लोगों को तो पता ही है भाई, वो अपना घर बेच रहा था। उसने घर बेच दिया। यस, घर उसने बेच दिया भाई। और घर बेचने के बाद उसकी जो डील हुई थी, वो उसके पैसे गाड़ी में रख के जैसे ही घर लौटा, इन वाइट गैंग वालों को पता लग गया था कि भाई इस बंदे ने घर बेचा है और इस गाड़ी में ज़रूर पैसे होंगे, जो कि था रियल में। तो इन वाइट गैंग वालों ने क्या किया, अपने एक बंदे को भेजा जो कि काफ़ी ख़तरनाक बंदा था इनकी टीम का। और वो बंदा गया सिंपली, उस बंदे ने उस घर के मालिक को मारा, उसकी गाड़ी को ही लेके भाग गया जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। और अभी फिलहाल उसी गाड़ी के थ्रू मैं इन बंदों को पकड़ने वाला हूँ। चलो भाई फटाफट से निकलते हैं माउंट चिलियार्ड की वुड फैक्ट्री की तरफ और पकड़ते हैं इन वाइट गैंग वालों को। अब जाहिर सी बात है, वाइट गैंग के ये 10-12 बंदे तो होंगे नहीं भाई जिनको मैंने अभी टपकाया, बहुत सारे बंदे होंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पर उस वुड फैक्ट्री में और भी बचे हुए इनके बंदे होने वाले हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा संभल के फाइट लेनी होगी। वही तो मैं सोचूं यार, आखिरकार कोई गैंग वाला बंदा एक गाड़ी के लिए मर्डर थोड़ी ना कर देगा, कुछ ना कुछ अलग ही पंगे थे। यहाँ पर तो भाई गाड़ी के अंदर पैसे रखे हुए थे और इस वजह से ये मर्डर हुआ। आई गेस तुम लोग सारा हिसाब किताब समझ गए भाई क्यों ये सब कुछ हुआ। बट यहाँ पर डिटेक्टिव फ्रैंकलिन की नज़रों से कुछ भी नहीं बच पाएगा, डिटेक्टिव फ्रैंकलिन पकड़ के ही रहेगा। और उस पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ूंगा भाई मैं। पुलिस वालों ने बताया कैसे, मतलब उस पुलिस वाले ने, अकेले पुलिस वाले ने बताया कैसे वाइट गैंग को कि मैं उनसे पूछताछ करने के लिए आ रहा हूँ। उसको भी नहीं छोड़ूंगा भाई, उसको भी सजा दिलवाएंगे। और वाइट गैंग वालों को तो मैं खुद ही सजा दे दूंगा। चलो माउंट चिलियार्ड निकलते हैं इन बंदों से वो गाड़ी और उस गाड़ी के अंदर पैसे जो रखे हुए हैं वो वापस लेने के लिए, और साथ ही साथ जिसने मर्डर किया है उसको पकड़ने के लिए। लेट्स गो। अरे मेरी स्पेशल कार क्या कर रही है भाई, आराम से चिल ब्रो चिल। ओके, तो मैं अभी जा रहा हूँ गाइस माउंट चिलियार्ड की वुड फैक्ट्री की तरफ। बट मुझे अभी एक चीज समझ में आई कि भाई मैं वहां पर क्या करने के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर सिंपली उस बंदे को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ जो कि वहाँ से गाड़ी जिसके अंदर पैसे थे वो चुरा के भागा और जिसने मर्डर किया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वहाँ पर वाइट गैंग के भी बहुत सारे बंदे होंगे जिनसे मेरी फाइट होगी, लेकिन मैं पुलिस वाला थोड़ी ना हूँ कि उनको टपका सकता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ जिसका काम है केस सॉल्व करना। मेरे हाथ में पावर थोड़ी ना है किसी बंदे को उड़ाने की, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा संभल के वहाँ पर फाइट लेनी होगी। और अगर बात बिगड़ती है तो मुझे उसके लिए भी पहले से ही तैयार होना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ माउंट चिलियार्ड के पास, ये जो पलीटो बे है इसके किसी वेपन स्टोर से वैसी बुलेट्स लेने के लिए जिससे किसी भी बंदे को मारो तो वो बंदा सिर्फ और सिर्फ बेहोश हो, टपके नहीं, वरना मैं ही फंस जाऊँगा भाई केस सॉल्व करने के चक्कर में। फिलहाल यहाँ पर एक एम्यूनेशन की शॉप थी तो सही पलीटो बे में, अब वो शॉप कहाँ चली गई ये पता नहीं मेरे को। यस गाइस, मैं डायरेक्टली भाई फाइट लेने के लिए नहीं जा सकता, वरना तो फिर मैं ही फंस जाऊंगा। इसीलिए मुझे वैसे वेपन्स, वैसी बुलेट्स चाहिए जिससे सिर्फ और सिर्फ बंदे बेहोश हो, ना कि टपक जाए। ओह, वेपन स्टोर वो रहा, आगे मिल गया, ज्यादा ही आगे चला गया था मैं, ये दो वेपन स्टोर। फटाफट से गाइस ऐसे वाले वेपन्स लेकर आते हैं। चलो भाई, चलो चलो भाइयों वेपन दे दो मुझे। अरे नकली गन मांगी थी यार इन लोगों ने, तो ये बारबी डॉल वाली गन दे दी, कोई बात होती है ये? अबे सामने वाला डरेगा ही नहीं इससे। कोई नहीं, चलो क्या ही कर सकते हैं, उन बंदों को टपकाना नहीं है गाइस, सिर्फ बेहोश करना है ताकि मैं जो मेन क्रिमिनल है उसे पकड़ सकूं। ओके, अब चलते हैं फटाफट से वुड फैक्ट्री की तरफ। ओ क्या कर रहा भाई ये हिरन, वापस चला गया। हाँ तो अब चलते हैं वुड फैक्ट्री की तरफ, लेट्स गो। वाइट गैंग वाले भी खतरनाक गैंग है यार, आज पता चला मेरे को ये। मैं तो हमेशा लॉस गैंग और बाकी सब ये बेलास गैंग को ही खतरनाक समझता था, वाइट गैंग भी डेंजरस एंड डेडली है। फिलहाल आगे जाने से पहले मैं अपनी गाड़ी को यहीं रखना चाहता हूँ और काफ़ी ज़्यादा संभल के जाना चाहता हूँ आगे की तरफ। चलो भाई मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक ना हो जाए इसलिए मैं काफ़ी संभल के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। किधर पीछे की तरफ से चलते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ बंदे हैं और कितने सारे बंदे हैं, उसके बाद हम लोग फाइट लेने की कोशिश करेंगे। अब इधर माउंटेन लॉयन भी घूमते रहते हैं यार, वो लोग ना अटैक कर दें मेरे ऊपर। ओके नाइस, वेरी सिंपल एंड ईजी, लेट्स गो आ गए हैं। ओके, तो ये फैक्ट्री के पीछे वाला इलाका है, मुझे फैक्ट्री के फ्रंट में जाना है। वेट अ सेकेंड, ये कौन है? अच्छा नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर्स हैं। ओके यहाँ पर हो सकते हैं वाइट गैंग के बंदे। यस, ये तो रहे वाइट कपड़ों में, वाइट गैंग के बंदे वाइट कपड़ों में। कितने हैं ये?
काम करता हूँ, दौड़ के फटाफट से सामने की तरफ जाता हूँ। चलो 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 चलो, नाइस नाइस, बस बस आ गए। ओके अब इधर चढ़ते हैं। ओए रेड कलर की गाड़ी, नहीं ये वो नहीं है कि यही है। नहीं इसमें पैसे कहाँ हैं, हो सकता है पैसे निकाल लियो। नहीं ये नहीं है, इतनी सस्ती सी गाड़ी होगी इतने अमीर बंदे के पास, और ऐसी गाड़ी में रख के लाएगा वो पैसे। नहीं नहीं कोई और सी गाड़ी होगी। अभी तो फिलहाल मैं जाऊँ कहाँ से, एंट्री कहाँ से लूँ इस फैक्ट्री के अंदर। क्या ही फैक्ट्री बनाते हैं यार ये लोग, एक रास्ता नहीं मिल रहा एंट्री का। क्या डिटेक्टिव बनूंगा मैं, पिट रहा हूँ मैं यहाँ पर दीवारों से ही। ओके ओ वुड फैक्ट्री है, देख रहे हो वुड, ये होता क्या है यहाँ पर वुड का, पता नहीं। आगे चलते हैं इधर आराम से, इधर सिंपल सी जंप। ओके लेट्स गो, बहुत ही बढ़िया, स्वीट एंड सिंपल। ओके ओ ये देखो अंदर कितने सारे बंदे हैं, आई गेस वी शुड अटैक। क्या बोलते हो भाई, अटैक कर दूं मैं? चलो बैंड बजाते हैं इनकी ऐसी की तैसी। बहुत ही बढ़िया, बेहोश बेहोश बेहोश, फटाफट से बेहोश। नाइस, और कितने निकल के आ रहे हैं, कितने बंदे हैं भाई सब, कितने हैं यार। हेलो, और इधर से भी कितने सारे आ रहे हैं। नहीं मेरी गोलियां भले ही नकली है, उनकी गोलियां असली है भाई। ओ आराम से आराम से। ओके ओके ये ले बटन कल, ये ले एक सेकेंड, ये ले। ओ भाई यार नकली गन में भी रिलोड देता है कोई। निकल 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 निकल, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो बेहोश। ओ इधर से कहाँ से आ रहा था तू, है रे वाइट गैंग के मेंबर्स की चटनी बना दी मैंने यहाँ पर बहुत ही एपिक तरीके से। बस आगे चलते हैं आगे चलते हैं। इनका जो मेन जो गैंग का मेंबर है वो कहाँ है, जिसने भाई सारे लफड़े किए हैं, जिसने अब गाड़ी चुराई पैसे चुराए, और वो गाड़ी कहाँ है जिसमें पैसे हैं, अंदर हो सकते। ओ यस पूरी ये गाड़ी। फिलहाल इधर क्या देख रहा भाई तू, आई गेस ये है वो बंदा। ओए ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तेरी ऐसी की तैसी, तू ये बे तू ये। अबे ये तो एक स्टैचू है, तो वो कहाँ आ गया, वो भाग गया क्या? एक सेकेंड मुझे लग रहा है वो रहा भाग का रहा है बे। तेरी ऐसी की तैसी, रुक 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 रुक, तू बच गया है बे, रुक। ओ लेट्स गो। अबे कौन सा गोलियां चला रहा है, कितने बच गया। अबे तू कहाँ से आ गया बे भाई साहब, कर दिया इसे बेहोश। लेट्स गो गाइस, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। अब देखो मेरा फर्स्ट केस ये पूरे लॉस सैंटोस में फेमस हो जाएगा। बताओ स्टैचू बनवा रखा है इसने पागल बनाने के लिए। ओके अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं, आई गेस इसी गाड़ी में पैसे। उरूस लग रही है भाई ये तो, गोलियां अभी भी चल रही, कौन एक बच गए हैं इधर उधर बंदे। ओके गाड़ी को फटाफट से उतारते हैं गाइस। बताओ भाई इतनी मेहनत की इन लोगों ने इस गाड़ी के अंदर रखे हुए पैसों के लिए। ओके ओके आ गए बाहर, और उसके मैंने ऑलरेडी बेहोश कर रखा है। फटाफट से इसे गाड़ी में भरते हैं और लेकर चलते हैं पुलिस वालों के पास, और कहते हैं उनसे कि आपका केस सॉल्व हो चुका सर। ओके इसे रख दिया है गाड़ी पे। भाई कहाँ कहाँ मैंने गोलियां मारी हैं, इसके पिछवाड़े पे भी गोलियां लगी है इसके अभी। ओ ओ उरूस क्या मस्त चल रही है, वाओ। मेरी यार मेरी गाड़ी कौन लेके जाएगा अब। चलो अपनी डिटेक्टिव कार में बाद में लेके जाऊंगा, अभी पहले चलते हैं पुलिस वालों के पास, उस घर में जहाँ पर ये मर्डर हुआ, और बताते हैं केस इज सॉल्व। केस सॉल्व हो गया भाई, ये खुशखबरी तो देनी बनती है। ओके ओके हेलो एक्सक्यूज मी सर, केस सॉल्व हो चुका है फाइनली, और ये रहा आपका मेन कल्प्रिट जिसे मैंने पकड़ लिया। सर मैं बताता हूँ आपको सीन हुआ क्या है यहाँ पर सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी सर। तो सीन हुआ क्या है यहाँ पर, ये बंदा ये अपना घर बेचना चाह रहा था, घर को इसने बेच दिया था ऑलरेडी, पैसे ले लिए, पैसे लेकर वो इस गाड़ी में आ रहा था सर, और इन वाइट गैंग वालों को ये पता चल गया। तो इन वाइट गैंग वालों ने अपने एक सबसे खतरनाक बंदे को भेजा इस बंदे से ये गाड़ी और पैसे छीनने के लिए। जब वो यहाँ पर आया तो इस बंदे ने रजिस्ट किया होगा, मना करने की कोशिश की होगी, रोकने की कोशिश की होगी, और इस बंदे ने गुस्से में इसको मार दिया और गाड़ी और पैसे लेके यहाँ से भाग गया। तो ये सारा का सारा सीन हुआ। नाउ द केस इज सॉल्व सर, और मेरे पैसे आप जरूर भिजवा देना। और इसी के साथ गाइस फ्रैंकलिन द डिटेक्टिव बनकर मैंने अपना फर्स्ट केस सॉल्व कर दिया है, जिसमें काफी मजा आया, काफी इंटेंस था भाई, लेकिन मजा आया। तुम लोगों को भी मजा आया तो जाओ गाइस अभी के अभी वीडियो को लाइक करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो। यस जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। वैसे अगर तुम लोग फ्रैंकलिन द डिटेक्टिव का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में फटाफट से जाकर पार्ट 2 लिख देना, पार्ट 2 में हम लोग कोई दूसरा केस सॉल्व करेंगे अगर केस आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।